दशा माता की प्रतिमा का तालाब नदी नालों में विसर्जन पर लगाए गए प्रतिबंध का सामाजिक कार्यकर अतुल गामेजी ने भी विरोध करते हुए कॉरपोरेशन तंत्र और म्युनिसिपल कमिश्नर पर तीखे प्रहार किए थे। चल रहे पवित्र मां दशामा व्रत अंतर्गत वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा अचानक से ही नदी नाले तालाब में प्रतिमा के विसर्जन पर प्रतिबंध लादते हुए एक जाहिरनामा प्रसिद्ध किया है, जिसको लेकर श्रद्धालु भक्तों में रोष और चिंताएं छाई है। दशामा व्रत के समापन से पहले महज 4 दिन बाकी है और ऐसे में अचानक से प्रतिमा पर विसर्जन पर प्रतिबंध लादते हुए स्थानिक भक्तों में माता दी की प्रतिमा विसर्जन के लिए अब चिंताएं और असमंजसताएं बढ़ी है। जहां अचानक से प्रतिबंध लादने के कारण वे लोग अब प्रतिमा का कहां पर विसर्जन करेंगे, वो भी एक गंभीर सवाल बना है। जो ये फरमान जाहिरनामा का विरोध करते हुए सामाजिक कार्यकर अतुल गामेजी ने भी राजकीय रैली, राजकीय मोर्चा में भी भीड़ और सोशल डिस्टेंस का अभाव रहता है वैसे प्रहार किए थे। जबकि विविध विस्तारों में 4 रास्ते पर भी ट्रैफिक जाम में भीड़ होती है वैसा कहते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर को आड़े हाथों लिया था। म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा गई काले मां दशामा की मूर्तिओ नदी नाला तळाव में विसर्जन नहीं करवानो परिपत्र पाड्यो छे। कही सकाय के म्युनिसिपल कमिश्नर 6 दिवस सुधी शुं घोर निंद्रा में हता। 6 दिवस थई गया दशामा ना व्रत ने लोग धामधूम थी उजवणी करी छे अने दशामा की मूर्तिओ पण ज्यारे लाया त्यारे एक ज प्रार्थना करी छे के गुजरात माथी भारत माथी COVID-19 कोरोना वायरस दूर थाय। हाल में गई काले जे परिपत्र बहार पड़ो परिपत्र में जणाव छे के मूर्तिओ नदी नाळा तळा में विसर्जन नहीं करवानी, तो विसर्जन करवानी क्या? बीजी बाबत ये बतावे छे के 5,000 रुपया जेटलो दंड करवामां आवशे अने कायदेसरनी कार्यवाही करवामां आवशे। वडोदरा शहेरनी अंदर असंख्य लोकोए मां दशामानी मूर्तिओ बेसाड़ी छे, व्रतना उजवणा कर्या छे। 6-6 दिवस बाद कमिश्नर जागीने आज तो परिपत्र जाहेर करे छे, तेनो अमे सख्त विरोध करीए छे। वडोदरा शहेरमां असंख्य तळावો છે, આ તળાવમાં ગણપતિ દાદાની પણ મૂર્તિઓ વિસર્જન કરી હતી, એનું પણ અપમાન વડોદરા મહાનગરપાલિકા કર્યું હતું। હાલમાં દશામાની મૂર્તિઓ વિસર્જન કરવાની થઈ છે ત્યારે 5,000 દંડ, કાયદેસરની કાર્યવાહી, આ બધા ઉચ્ચારણો કરીને જનતાને ડરાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। સાથે જોવા જઈએ કે વડોદરા શહેરની પરંતુ પૂરા ગુજરાતમાં રેલીઓને રોજ રેલા ચાલે છે, અસંખ્ય લોકો ભેગા થાય છે। સાથે જોશો ગઈકાલે હાર્દિક પટેલ આવ્યા ત્યારે પણ અસંખ્ય ભીડ હતી, કોરોના સંક્રમણ થાય તેવું હતું। બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો વડોદરા શહેરના કેટલાય 4 રસ્તા પર સવારે ભીડ જામેલી હોય છે, મજૂરો પાસે માસ્ક નહોતું હતા, સેનિટાઈઝર હતું, ત્યાં વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ પોતાની જવાબદારી નિભાવવી જોઈએ, પરંતુ ત્યાં જવાબદારી નહીં નિભાવીને મા દશામાના ભક્તોને આજે ચિંતામાં મૂકી દીધા છે। ભક્તો ચિંતાતુર થઈ ગયા છે। અમારી વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનરે માંગ છે કે વડોદરા શહેરની અંદર મા દશામાની જેટલી પણ મૂર્તિઓ પ્રસ્થાપિત કરી છે એ તમામ મૂર્તિઓનું વિસર્જન વડોદરા મહાનગરપાલિકા કોઈ પણ રીતે આયોજન કરીને વિસર્જન કરે તેવી અમારી માંગ છે।